सल्पिंग से कैसी समस्या जिसका कई बार हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, कभी कभी हमें HSG में देखने को मिलता है, तो हाइड्रोसल्पिंग की समस्या क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, आज ऐसी ही बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हाइड्रोसल्पिंग यानी ट्यूब के अंदर पानी होना। बहुत बार अल्ट्रासाउंड में पेशेंट्स लेकर आते हैं कि उनके ट्यूब्स में पानी है, ऐसा हाइड्रोसल्पिंग बताया गया है और इसलिए ट्यूब क्लिपिंग करके IVF करने की सलाह दी गई है। अल्ट्रासाउंड में अगर पानी होता है तो वो कुछ वजहों में हो सकता है, यानी कि आपके ट्यूब्स में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो हाइड्रोसल्पिंग्स दिख सकता है, आपके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो तो भी हाइड्रोसल्पिंग्स दिख सकता है, या फिर आपको कोई प्रीवियस सिवियर इन्फेक्शन रहा हो तो उस कंडीशन में, या TB के इन्फेक्शन में भी हाइड्रोसल्पिंग्स दिख सकता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो इनमें जो हाइड्रोसल्पिंग्स TB की वजह से है या फिर आपके किसी इन्फेक्शन की वजह से है, उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट 70-80% तक हो जाती है। जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में हाइड्रोसल्पिंग्स आता है, बेसिकली उसमें ब्लड का कलेक्शन काफी हद तक रहता है और इस सिचुएशन में रिकवरी के चांसेस 50-60% तक रहते हैं, तो ये हम मेडिसिन के साथ रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके HSG के अंदर ट्यूब में पानी दिखता है तो उसके कंडीशन देखी जाती है कि वो ट्यूब किस लेवल तक डैमेज है, और 3 से 4 महीने की दवाई खाने के बाद हम वापस HSG कराते हैं कि ट्यूब के अंदर जो पानी दिख रहा था वो अभी खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ट्यूब के अंदर पानी आता है तो TB का कोर्स साथ में करना पड़ता है, और TB का कोर्स करने के साथ ही वो ट्यूब का पानी जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद जो ब्लॉकेज है उसको हम अपनी थेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। तो हाइड्रोसल्पिंग्स की समस्या का रूट कॉज जानना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आशा आयुर्वेदा के चारों सेंटर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हाइड्रोसल्पिंग्स जैसी समस्या में हमेशा ही क्लिपिंग कराना पड़े या हमेशा ही वो ट्यूब निकलवाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं होता, इस विश्वास के साथ आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क करें। धन्यवाद।